केरला में इन स्कैम्स की वजह से हजारों परिवारों का जीवन दांव पर लग गया है। यहां सीपीएम के मुख्यमंत्री लगातार झूठ बोल रहे हैं कि कोऑपरेटिव स्कैम के पीड़ितों को उनका पैसा वापस मिलेगा, दोषियों पर कार्रवाई होगी। ये आपका सेवक मोदी है जो सख्ती से इस केस की जांच करवा रहा है। अब तक स्कैम करने वालों की करीब 90 करोड़ रुपीज की संपत्ति अटैच हो गई है। मैं इस बारे में कानूनी सलाह ले रहा हूं कि कैसे जिन गरीबों ने बैंकों में पैसा रखा था और जिन लोगों का बैंकों में पैसा डूबा है, इनकी संपत्ति जब्त करके मैं वो पैसे इन गरीबों को वापस कैसे दूं, इस पर मैं काम कर रहा हूं।